Hello students, how are you all? Yesterday we have completed our first and second activity, and that is unit number 1, and that is name is exploring symbol. हमने जो अगले हफ्ते देखा कि हमने activity 1 और 2 complete कर दिए, तो यहाँ पे activity 3 दी गई है, उसमें हमें activity है वो आज complete करनी पड़ेगी. तो आप सब लोग अपने book में ध्यान देना. Activity 3, look carefully at where the mind is without fear, the poet is talking to someone. What words help you understand whom the poet is talking to? यहाँ पे आपको जो ये 3 एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 3, उसमें आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो उसके आंसर आपको लिखने होंगे. तो यहाँ पहले पूछा गया है कि लुक केयरफुली, यहाँ पे हमने माइंड, वेयर दी माइंड इज विदाउट फियर नाम की पोयम थी, उसमें जहाँ मन भय के बिना हो, उसमें क्या देखा था, जो वो कौन सा शब्द था वो आपको हेल्प यू, जो आपकी मदद करेगा, अंडरस्टैंड हुम द पोएट इज टॉकिंग टू. यहाँ पे कहा गया है पोएट ने कि आपको ऐसा कौन सा वर्ड है जो आपको हेल्प करेगा कि इस पोएम में क्या बताया गया है. तो यहाँ पे लिखा गया है कि What words help you understand whom the poet is talking to? यहाँ पे poet ने इस जो कविता में किसके बारे में बात की थी, वो यहाँ पे हमें question के answer में लिखना पड़ेगा. किसके बारे में बात की थी, तो हमने next video में देखा था कि poet जो उसके पिताजी थे, father थे, उनके बारे में उसने थोड़ा जिक्र किया था. तो answer में क्या आएगा कि into that heaven of freedom My father left my country away. यहाँ पे उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता के उस वर्ग में मेरे पिता ने मेरे देश को जागरूक किया. तो आंसर में क्या आएगा, यहाँ पे into that heaven of freedom my father left my country away. यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था, तो उनमें पूछा गया था कि पोएट ने यहाँ पे किसका जिक्र किया था. तो हमने एक्टिविटी 2 में पढ़ा ही है कि यहाँ पे जो पोएट के फादर थे, उन्होंने जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी उसमें हमको जागरूक करने के लिए ये पोएम के बारे में लिखा था. तो हमारा आंसर का क्या आएगा कि इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, जो स्वतंत्रता का स्वर्ग है, उसमें मेरे पिताजी ने जो हमें देश को जागरूक करने के लिए ये जो पोयम थी उसके बारे में हमें कुछ लिखा गया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है. सेकंडली देखें तो यहाँ पे द सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 लाइंस ऑफ द पोयम आर अंडरलाइन वेल. यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन में हमें पोयम की जो हमने आगे पढ़ी ली है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर की यहाँ पे फर्स्ट 3 लाइन लिखी गई है. तो हमें जो चौथी लाइन क्या है वो सिर्फ लिखनी है. तो यहाँ पे जो 3 लाइन है वो मैं आपको सुना रही हूँ कि वेयर दी माइंड इज विदाउट फियर एंड दी हेड इज हेल्ड हाई. मैंने आपको समझाया था कि वेयर इज दी माइंड इज विदाउट फियर, यहाँ पे जो मन है उसका वो भय के बिना है, उसके मन में कोई प्रकार का भय नहीं है. एंड जो उसका सिर है, अब जिसके मन में भय ना हो तो उसका सिर तो ऊंचा ही रहेगा ना. तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है वहां पे हमने देखा कि जहाँ मन भय के बिना हो तो उसका सिर कैसा होगा, हमेशा ऊंचाई होगा. एंड वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पे नॉलेज मीन वो नॉलेज होती है, जहाँ पे जो ज्ञान है वो कैसा एकदम फ्री है, मुफ्त है. वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, यहाँ पे जो कहा गया है कि जो एक डोमेस्टिक घरेलू हिंसाओं से भरी एक दीवार होती है, जहाँ पे हमारी दुनिया में ऐसा कोई भी टुकड़ा नहीं है जहाँ पे सब
लोगों को अलग अलग से टुकड़ों में बांटा ना गया हो ऐसा कहा है। तो यहाँ पे हमें जो तीन लाइन दी गई है, तो हमें यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है तो उसका हमें सिर्फ चौथी लाइन है वो क्या है, वो झुमके लिखनी है। तो हमारी चौथी लाइन तो हमारे पास है ही, तो वो हमें लिखनी होगी। तो यहाँ पे हमारी चौथी लाइन है कि वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द जेम ऑफ द ट्रूथ। यहाँ पे हमारी जो चौथी लाइन सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा कि वेयर वर्ड्स कम आउट, जहाँ पे जो वर्ड्स वर्ड्स मीन शब्द होते हैं वो कम आउट कहाँ से आते हैं, जो सत्य होता है, जो ट्रूथ होता है, सत्य होता है उसकी गहराई में से निकलते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमें क्या लिखना होगा, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, जहाँ पे शब्द सत्य की गहराई से निकलते हैं वो हमारा सेकंड आंसर होगा। उसके बाद हमें एक एक्टिविटी में दूसरा क्वेश्चन आता है जो है लास्ट क्वेश्चन। उसमें पूछा गया है कि दी पोएम से, ये जो हमारी पोएम है वो क्या कहती है, वेयर दी माइंड इज विदाउट फियर, क्या कहती है इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे कहती है कि वेयर दी क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ पे क्या है क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ पे जो क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन है, स्ट्रीम मीन्स छोटे छोटे झंडे होते हैं, उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रियरी सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। तो यहाँ पे जो क्लियर स्ट्रीम है, जहाँ कारण की स्पष्ट धारा हो गई नहीं है, उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे व्हाट इज लॉस्ट इन दिस लाइन ऑफ द पोएम, यहाँ पे जो हमें वर्ड दिया गया है लॉस्ट, लॉस्ट मीन हो जाना या खो गई है। तो यहाँ पे लॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, ये लॉस्ट क्या हमें बताना चाहता है, तो उसके बारे में हमें ये जो पोस्टर दिया गया है उसके बेसिस पे हमें लॉस्ट के बारे में लिखना है। तो हमें ये सेंटेंस पढ़ने हैं कि इस सेंटेंस में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि वेयर दी क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, क्लियर स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन जो धारा बहती है उसके बारे में बात की गई है, ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू ड्रियरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। तो यहाँ पे हमें जो लॉस्ट क्या खो गया है उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे हमें जो सेंटेंस है उसमें दिया गया है कि क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हो गई है, तो आंसर क्या आएगा हमारा सिंपली दी डियर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्टिविटी 3 के तीन ऐसे क्वेश्चन के आंसर जो हमें खुद ही करने हैं, लेकिन मैंने आपको ये करवा ही दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आंसर 1, 2, 3 मैंने आंसर 1 से आंसर 2, आंसर 3 के आंसर लिख दिए हैं। तो आपको ये अपने नोटबुक में लिखने होंगे और मुझे सेंड करने पड़ेंगे। अगर आपको एक्टिविटी 3 में कुछ समझ ना आए हो तो आप मुझे बोल सकते हो और ये आपको अपने नोटबुक में लिखने ही पड़ेंगे। Thank you so much.